राजस्थान के सीएम की घोषणा हो गई है और भरतपुर के नदवई निवासी भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम बन गए हैं। मैं उनके घर पर मौजूद हैं, उनके पिताजी और माताजी यहाँ हैं। सर क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्ण स्वरूप है। सर आपका बच्चा सीएम, राजस्थान का सीएम बन गया, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी है भैया, भगवान की मर्जी है। उम्मीद थी सर आपको कैसा हो सकता है? अब भैया उम्मीद नहीं को मतों भाई, मर्जी अपने आप उम्मीद रह जाए, भगवान के हाथ में आता सब। क्या कहना चाहेंगे साहब, आपका बेटा राजस्थान का सीएम बन गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी बात है भैया, मैं बनी बहुत, हाँ बहुत बढ़िया है। तो आप आज बात हुई थी आपकी बच्चे से? बच्चे से ना, छोड़ा नाती दे गई, कन्हैया दे, कन्हैया दे गई बात। ये उनके पिताजी थे, उनकी माताजी भी हैं, मैं बात कर लेता हूँ। माताजी आपका क्या नाम है? गोमती देवी। माताजी आपका बच्चा राजस्थान का सीएम बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान को, बंसी बारे को, बालाजी महाराज को भाई की मेहरबानी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सबके बीच में भैया खूब काम करें, अच्छा काम करें, सब आशीर्वाद भगवान की मर्जी भैया, जनता के बीच में खूब काम करें, अच्छी तरह मेहनती आदमी। हाँ लंबे समय से वो राजनीति में थे? राजनीति में लंबे से इधर राजनीति में थे मेरे, और मेहनती तनवंत करे भगवान। हाँ वैसे नहीं राजनीति में इन्हीं लेवल को चावल रोटी खाने और छोड़ दी हूँ, रोटी खा के बैठे ना ही मुकते, पर बेटा राजनीति करी माने रोटी ने धड़ी छोड़ जाऊँ। ये माताजी थी और ये बता दिए कि बहुत खुशी की बात है, इनको ऐसा महसूस भी नहीं था कि उनका बच्चा राजस्थान का सीएम बन जाएगा। उनके माता और पिता का यही कहना है कि राजस्थान में वो विकास करेंगे। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।